नमस्कार दोस्तों, क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के बाद आपको आपकी आंख में चमक महसूस हो रही है? अगर आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं और एकदम से तेज लाइट जलती है तो आपको आंख में तकलीफ होती है? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें मोतियाबिंद होने का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाता है। जो हमारे आँख का जो नेचुरल लेंस होता है, जो कुदरती लेंस होता है, वो धीरे धीरे अपनी पारदर्शिता खोने लगता है और इसकी वजह से बहुत धीरे धीरे जो हमारे आँख में अंदर जाने वाली जो लाइट है वो कम होती चली जाती है। और ये चीज़ ये प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि मरीज़ का जो दिमाग होता है वो इस चीज़ का आदि हो जाता है। इस समय के साथ साथ रोशनी कम हमारी आँख में जाती है और हमको उसकी आदत हो जाती है। या आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि जब हम एक डार्क चश्मा लगाते हैं या जो हम सन प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाते हैं तो वो क्योंकि काले होते हैं तो हमारी आँख में रोशनी कम जाती है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन हमारे मोतियाबिंद के साथ में भी होती है और ये सिचुएशन हमारी 24 घंटे रहती है। मतलब जब तक हम जगते हैं और रोशनी की तरफ देखते हैं तो ये सिचुएशन होती है। लेकिन जैसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वैसे ही जो हमारा मोतियाबिंद वाला जो कुदरती लेंस है वो हटा दिया जाता है और आँख में एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है जो कि पूरी तरह से पारदर्शी होता है। और इसकी वजह से पूरी रोशनी आँख के अंदर जाती है, उस रोशनी के लिए हम आदी नहीं होते हैं और इस वजह से हमें चमक ज़्यादा लगती है। जैसे कि अगर आप कहीं धूप में निकले हैं, काला चश्मा लगा के निकले हैं, लेकिन जैसे ही आप काला चश्मा हटाते हैं तो आपको धूप बहुत तेज लगती है, जो सूरज की रोशनी है वो आँख में एकदम से चुभने लगती है। तो ऐसा ही कुछ हमारा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में होता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आँख में चमक लगने के और भी कई सारे कारण होते हैं। तो जो बाकी के जो कारण हैं वो मैं डिटेल में भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आप अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम 1 से लेके 6 तक बात करते हैं उन कारणों की कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आँख में चमक क्यों लगती है। तो जो नंबर 1 कारण होता है मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आँख में चमक लगने का, वो होता है कि हमारा दिमाग इस चीज़ का आदी नहीं होता। क्योंकि ऑपरेशन के बाद आँख में रोशनी ज़्यादा जा रही है तो उसकी वजह से मरीज को ऐसा लगता है कि रोशनी बहुत ज़्यादा है, दिमाग उसका यूज टू नहीं होता है, तो इस वजह से जो चमक है वो बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये एक नॉर्मल कारण है। लगभग 7 से 10 दिन में जो भी पेशेंट होता है जिसने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया हुआ होता है वो उस चीज़ के आदि हो जाता है और उसके बाद वो उस नई रोशनी के आदि हो जाता है और फिर उसको ये जो चमक लगनी होती है या जो रोशनी देखने में जो तकलीफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, पुतली पर आई सूजन। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद पुतली पर सूजन क्यों आती है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको पुतली पर आने वाली सूजन के बारे में जानकारी चाहिए है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जब भी कहीं शरीर में ऑपरेशन होता है या चोट लगती है तो उस हिस्से में सूजन आ जाती है। ऐसी ही कुछ स्थिति मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हमारी पुतली की होती है। उसके अलावा अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा सख्त होता है या अगर ऑपरेशन लंबा चलता है तो भी ये सूजन थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ऑपरेशन के बाद चलने वाली दवाइयों से ये सूजन काफ़ी हद तक या लगभग हर मरीज में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कुछ हफ्तों के बाद भी अगर पुतली पर सूजन रहती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नंबर 3 रीज़न इज़ बढ़ा हुआ आई प्रेशर। कभी कभी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद जो आँख के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से मरीज को रोशनी की चमक बहुत ज़्यादा लगती है और कभी कभी रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे भी दिखाई देते हैं। इसे हम लोग पोस्ट ऑप ग्लॉकोमा या फिर काला पानी कहते हैं। लेकिन
ये बढ़ा हुआ प्रेशर भी दवाइयों के और आई ड्रॉप के माध्यम से पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 4 इज आंख के अंदर आने वाली सूजन। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद ना सिर्फ हमारी पलक पर सूजन आती है, उसके अलावा हमारे आंख का जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें भी कभी कभार सूजन आ जाती है। और इस सूजन की वजह से भी हमारी जो आंख में जो रोशनी की जो चमक है या जो रोशनी के प्रति संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से भी मरीज को रोशनी की तरफ देखने में तकलीफ होती है। लेकिन ये वाली सूजन भी अगर आप हम दवाइयों की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं या अगर डॉक्टर कोई और दूसरी दवाई ऐड कर देता है तो ये जो पुतले ये जो आँख के अंदर आने वाली सूजन है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में लगभग बहुत सारे मरीजों को, एक स्टडी के हिसाब से लगभग 42% मरीजों को ड्राई आई हो जाती है। अब ये ड्राई आई ऑपरेशन की वजह से भी होती है और ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ चलती हैं उनकी वजह से भी होती है। और इस ड्राई आई की वजह से पुतली पर कभी कभी हल्के 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 छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं और वो रोशनी की तरफ देखने में तकलीफ पैदा करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स की मदद से मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आने वाली ड्राई आई भी खुद से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। एंड नंबर 6 रीज़न इज डायलेटिंग आई ड्रॉप्स। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए पुतली फैलाने वाली कुछ दवाइयाँ डॉक्टर आपको पोस्ट ऑप पीरियड में ऐड करता है। और इन दवाइयों की वजह से, क्योंकि पुतली फैल जाती है तो ज़्यादा लाइट आँख में जाती है, इस वजह से हमें ज़्यादा चौंध लगती है या फिर रोशनी की तरफ देखने में तकलीफ होती है या फिर रोशनी की तरफ हमारी जो संवेदनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ये दवाइयाँ डॉक्टर बंद करता है तो उसके कुछ समय के बाद पुतली अपने जो नॉर्मल साइज होती है उस पर आ जाती है और हमारी लाइट सेंसिटिविटी भी चली जाती है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।